कोई भी सपना साकार करने के लिए सबसे जरूरी है सही कोच का होना। चुनिए CGPSC की पाठशाला क्लासेस को और करें अपने CGPSC एंड व्यापम का सपना साकार। डाउनलोड द ऐप नाउ। हेलो स्टूडेंट, मैं निखिल कुमार, आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल CGPSC पाठशाला में। CGPSC पाठशाला में आज का टॉपिक है छत्तीसगढ़ आर्थिक सर्वेक्षण 2022-23, जिसमें हम चर्चा करने वाले हैं अध्याय 8 वानिकी पर। काफ़ी समय से यूट्यूब पर इकोनॉमिक सर्वे के वीडियोज़ अपलोड नहीं हो रहे थे, लेकिन अब जो है अब थोड़ा सा हम इकोनॉमिक सर्वे पर फोकस करेंगे और कंटिन्यूटी में 4 डेज या 5 डेज के गैप में आपके इकोनॉमिक सर्वे के वीडियोज़ यूट्यूब पर अपलोड होंगे। ठीक है, चलिए देखते हैं CGPSC ई पाठशाला का छत्तीसगढ़ आर्थिक सर्वेक्षण 2022-23 एवं छत्तीसगढ़ एवं केंद्रीय बजट 2023-24 का बुक मार्केट में अवेलेबल है। इस बुक को आप इन शहरों के बुक डिपो में जाकर के ले सकते हैं। यहाँ पे शहरों के नाम, बुक डिपो के नाम, उनके कॉन्टैक्ट नंबर दिए गए हैं। साथ ही साथ आप हमारे मोबाइल ऐप CG बुक्स कार्ट में भी जाकर के CGPSC ई पाठशाला के आर्थिक सर्वेक्षण के बुक को ऑनलाइन ऑर्डर कर घरों में फ्री होम डिलीवरी सर्विस के माध्यम से मंगा सकते हैं। CG बुक्स कार्ट मोबाइल ऐप में आपको CGPSC ई पाठशाला के साथ साथ छत्तीसगढ़ के अन्य कोचिंग इंस्टीट्यूट, अन्य पब्लिकेशन के बुक अवेलेबल हो जाएंगे, जिसे आप घर बैठे ऑनलाइन ऑर्डर कर फ्री होम डिलीवरी सर्विस के माध्यम से मंगा सकते हैं। चलिए टॉपिक पे आते हैं, ध्यान दीजिएगा। अध्याय 8 वानिकी। सबसे पहला क्वेश्चन, वानिकी का GSDP यानी कि छत्तीसगढ़ सकल राज्य घरेलू उत्पाद में भागीदारी वित्तीय वर्ष 2022-23 स्थिर कीमतों पर कितना है? तो वानिकी क्षेत्र का छत्तीसगढ़ के सकल राज्य घरेलू उत्पाद में स्थिर कीमतों पर वित्तीय वर्ष 2022-23 के लिए अनुमानित भागीदारी है आपका 8,68,827 लाख रुपए। ठीक है, 8,68,827 लाख रुपए की भागीदारी है वानिकी क्षेत्र का छत्तीसगढ़ के सकल राज्य घरेलू उत्पाद में। अगर परसेंटेज में बात की जाए तो परसेंटेज में छत्तीसगढ़ के कुल GSDP में 3.19% की भागीदारी है वानिकी क्षेत्र की। अभी हाल ही में हुए, आपके अगस्त महीने में हुए सहायक संचालक कृषि की जो परीक्षा हुई थी उसमें पूछा गया प्रश्न है, वानिकी क्षेत्र का छत्तीसगढ़ के सकल राज्य घरेलू उत्पाद में स्थिर कीमतों पर वित्तीय वर्ष 2022-23 में भागीदारी कितनी प्रतिशत अनुमानित है? तो वो है आपका 3.19% का योगदान या फिर भागीदारी अनुमानित है। ठीक है, अब देखिए थोड़ा सा हम भारतीय वन स्थिति रिपोर्ट पर चर्चा करेंगे, क्योंकि वानिकी वाले चैप्टर में डाटा पढ़ने के लिए यानी कि इकोनॉमिक सर्वे से रिलेटेड डाटा पढ़ने के लिए बहुत कम है, लेकिन यहां पर इंपॉर्टेंट होता है आपके लिए भारतीय वन स्थिति रिपोर्ट, जो कि 2021 का रिपोर्ट है। ये देखिए, ये जो आपका रिपोर्ट है ना, ये द्विवार्षिक रिपोर्ट है, 2 साल में एक बार पब्लिश होता है। अभी हम पढ़ेंगे 17वीं भारतीय वन स्थिति रिपोर्ट ISFR 2021। 17वां वन स्थिति रिपोर्ट के आधार पर देखिए, ये जो रिपोर्ट है जारी कौन करता है, ये जारी किया जाता है भारतीय वन सर्वेक्षण देहरादून उत्तराखंड के द्वारा। ठीक, किस मंत्रालय के अंतर्गत जारी किया जाता है? केंद्रीय पर्यावरण वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय के द्वारा यह जारी किया जाता है। संस्करण, ये जो आपका 2021 में भारतीय वन स्थिति रिपोर्ट जो जारी किया गया, यह इसका 17वां संस्करण था, 17th नंबर का था। ठीक, द्विवार्षिक रिपोर्ट है, ये जो रिपोर्ट है 2 साल में एक बार पब्लिश होता है। अभी 2023 का दूसरा रिपोर्ट आएगा, ठीक है, मेरे हिसाब से नवंबर एंड या दिसंबर के स्टार्टिंग में ये रिपोर्ट आ जाना चाहिए, 18th नंबर का, ये 17th नंबर का है। ठीक है, जब आपका नया रिपोर्ट आएगा तो उस पर भी यूट्यूब में एक अलग से वीडियो मैं बना दूंगा। ठीक, ये रिपोर्ट को जारी किए जाने की शुरुआत की गई थी 1987 से। वर्तमान में इस वन से संबंधित कैबिनेट मंत्री कौन है पूछा जाए, तो वो है श्री भूपेंद्र यादव, केंद्रीय कैबिनेट मंत्री। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। भारत का भौगोलिक क्षेत्रफल, भारत में जो है हम वनों की स्थिति पे पहले चर्चा करेंगे, भारत का कुल भौगोलिक क्षेत्रफल कितना है पूछा जाए, तो भारत का कुल भौगोलिक क्षेत्रफल है 32,87,263 वर्ग किलोमीटर। इस 32,87,263 वर्ग किलोमीटर में वनावरण कितना है? वनावरण है आपका 7,13,790
किसी ने YouTube पर कमेंट किया था कि 90 में पहली बार ऐसा शब्द सुन रहा हूँ, ऐसा कोई शब्द होता है क्या? मैं आपको बहुत बार वीडियो में बता चुका हूँ कि मुझे 79 और 89 को हिंदी में क्या बोलते हैं उसे लेकर के अक्सर कन्फ्यूज़न होता है। इसीलिए मैं आंकड़ों को कई बार हिंदी में बोलता हूँ और हिंदी के साथ साथ इंग्लिश में भी बताता हूँ, तो उसको लेकर के कमेंट मत किया कीजिए, ठीक है। 7,13,790 7,13,789 स्क्वायर किलोमीटर, ये छत्तीसगढ़ में क्या है, सॉरी भारत का क्या है, भारत का वनावरण है, जो कि भारत के कुल भौगोलिक क्षेत्रफल का 32,87,263 वर्ग किलोमीटर का 21.71% ये क्या है, ये है आपका वनावरण, जिसमें पिछले रिपोर्ट की तुलना में, यानी कि द्विवार्षिक रिपोर्ट है, इससे पहले रिपोर्ट आया था वर्ष 2019 में, 2019 के कंपैरिजन में 2021 में भारत के वनावरण में 1540 वर्ग किलोमीटर की वृद्धि दर्ज की गई है, ठीक। स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन बनते हैं जिसमें आपसे पिछले रिपोर्ट की तुलना में 2021 में भारत के वनावरण में कितनी वृद्धि दर्ज की गई, इसको याद रखना, 1540 वर्ग किलोमीटर की वृद्धि दर्ज की गई। दूसरा है आपका वृक्षावरण। देखिए वनावरण इसे कहा जाता है आपका फॉरेस्ट कवर, इंग्लिश में कहा जाता है फॉरेस्ट कवर। वृक्षावरण जिसे कहा जाता है ट्री कवर, ट्री कवर। अभी फॉरेस्ट कवर क्या होता है, ट्री कवर क्या होता है, आगे भी आपको बताऊंगा। भारत का ट्री कवर वृक्षावरण है 95,748 वर्ग किलोमीटर, जो कि भारत के कुल भौगोलिक क्षेत्रफल का 2.91% एरिया कवर करता है। 2.91% भारत के कुल भौगोलिक क्षेत्रफल का क्या है, वृक्षावरण है, जिसमें पिछले रिपोर्ट की तुलना में भारत के वृक्षावरण में 721 वर्ग किलोमीटर की वृद्धि दर्ज की गई। अब देखिए वनावरण और वृक्षावरण होता क्या है, इसे थोड़ा सा समझ लीजिए। वनावरण फॉरेस्ट एरिया, वृक्षावरण यानी कि वनावरण फॉरेस्ट कवर, वृक्षावरण यानी कि ट्री कवर। अब जब कभी भी अगर किसी एक आम आदमी से पूछा जाए कि वन क्या है, जंगल क्या है, फॉरेस्ट क्या है, तो सीधा साधा शब्दों में कहेगा कि जहां पर बहुत सारे पेड़ पौधे है, जहां पर बहुत सारे पेड़ पौधे यानी कि ट्रीज है, उसे कहा जाता है जंगल। लेकिन यहां पर आपका वनावरण और वृक्षावरण दो अलग अलग वर्ड सुनने मिल रहे हैं। अब ये होता क्या है, इसे समझिएगा। जब कभी भी किसी भी भूभाग का, किसी भी भूभाग का सर्वे किया जाता है, तो उस भूभाग के 10% एरिया में अगर वृक्षों का सघन मंडपाकार आवरण है, वृक्षों का सघन मंडपाकार आवरण, जिसे इंग्लिश में क्या कहा जाता है, ट्री कैनपी डेंसिटी, ट्री कैनपी डेंसिटी, वृक्षों का सघन मंडपाकार आवरण, इसका मतलब जैसे कि शादियों में, पार्टियों में या किसी कार्यक्रम में मंडप लगाए जाते हैं, टेंट हाउस के क्या मंडप, तो उस प्रकार से जो जैसे अगर हम जंगलों की बात करें तो जंगलों में वृक्षों की जो शाखाएं हैं वो काफी दूर दूर तक फैली होती है, तो बहुत सारे वृक्षों का ऐसा समूह जो कि अपने आसपास वृक्षों का सघन मंडपाकार आवरण बना लेते हैं, उसे कहा जाता है ट्री कैनपी डेंसिटी। अगर किसी भूभाग में, किसी भूभाग में जिसका सर्वे किया जा रहा है, उसके फॉरेस्ट एरिया का जो है रिपोर्ट तैयार किया जा रहा है, तो कुल भूभाग के 10% से अधिक एरिया में, ठीक है, 10% से अधिक एरिया में वृक्षों का सघन मंडपाकार आवरण हो, ठीक, 10% से अधिक या फिर 1 हेक्टेयर से अधिक क्षेत्र में वृक्षों का सघन मंडपाकार आवरण हो, तो उसे वनावरण यानी कि फॉरेस्ट कवर के अंतर्गत रखा जाता है। फॉरेस्ट कवर, वनावरण, ठीक है। कुल भूभाग के 10% से अधिक या 1 हेक्टेयर से अधिक क्षेत्र में वृक्षों का सघन मंडपाकार आवरण हो, तो उसे वनावरण के अंतर्गत काउंट किया जाता है। वहीं इसके जस्ट उल्टा, इसके जस्ट उल्टा, अगर वृक्षों का जो सघन मंडपाकार आवरण
कुल भूभाग के 10% से कम या 1 हेक्टेयर से कम भूमि पर है तो उसे वृक्षावरण कहा जाता है। हर साल के इस वानिकी वाले चैप्टर में मैं पूरा डायग्राम बना करके बताता हूं, ठीक है। किसी प्रकार का अगर आपको कंफ्यूजन होगा तो सीजीपीएससी ई पाठशाला के यूट्यूब चैनल में जाकर के आप ISFR 2021 इसके आगे सीजीपीएससी ई पाठशाला लिख देना, आपको इसका कंप्लीट रिपोर्ट का आपको वीडियो मिल जाएगा, ठीक है। इस आपके ISFR रिपोर्ट के ऊपर मैंने पूरा डिटेल वीडियो बनाया है। भारत के अलग अलग राज्यों में वनों की स्थिति के आधार पर और छत्तीसगढ़ में वनों की स्थिति के आधार पर एक दो वीडियो बने हुए हैं हमारे इस सीजीपीएससी ई पाठशाला यूट्यूब चैनल पर, ठीक है। तो क्या होता है वनावरण, क्या होता है और वृक्षावरण क्या होता है, समझ में आया। वनावरण कुल भूभाग के 10% से अधिक या 1 हेक्टेयर से अधिक भूमि पर अगर वृक्षों का सघन मंडपाकार आवरण है तो उसे वनावरण के अंतर्गत रखा जाएगा। इसके विपरीत यदि कुल भूभाग के 10% से कम 10% से कम या 1 हेक्टेयर से कम भूमि पर वृक्षों का सघन मंडपाकार आवरण है तो उसे वृक्षावरण के अंतर्गत रखा जाएगा। तो यह होता है वनावरण यानी कि फॉरेस्ट कवर, वृक्षावरण यानी कि ट्री कवर, ठीक है। तो भारत का वनावरण कितना है, 7,13,789 वर्ग किलोमीटर, जो कि भारत के कुल भौगोलिक क्षेत्रफल का 21.71% एरिया कवर करता है, जिसमें पिछले रिपोर्ट की तुलना में 1540 वर्ग किलोमीटर की वृद्धि दर्ज की गई है। वृक्षावरण यानी कि ट्री कवर कितना है भारत का, 95,748 वर्ग किलोमीटर, जो कि भारत के कुल भूभाग का यानी कि 32,87,263 वर्ग किलोमीटर का 2.91% एरिया वृक्षावरण है, ठीक है। 2.91% एरिया वृक्षावरण है, जिसमें पिछले रिपोर्ट की तुलना में भारत के वृक्षावरण में 721 वर्ग किलोमीटर की वृद्धि दर्ज की गई है। अगर दोनों को कंबाइन किया जाए, भारत का वनावरण प्लस वृक्षावरण, तो टोटल कितना है, इस दोनों को ऐड कर देंगे 8,09,537 वर्ग किलोमीटर, ये भारत का वनावरण प्लस वृक्षावरण है, जो कि भारत के कुल भौगोलिक क्षेत्रफल का 24.62% एरिया वनावरण प्लस वृक्षावरण के अंतर्गत आता है। इसमें पिछले रिपोर्ट की तुलना में भारत के वनावरण प्लस वृक्षावरण में 2,261 वर्ग किलोमीटर की वृद्धि दर्ज की गई है, ठीक है। इंपॉर्टेंट है ये सारा डाटा याद रखना। अब हम बात करते हैं भारत के अलग अलग राज्यों में वनों की स्थिति पर। भारत में सर्वाधिक वनावरण यानी कि यहां पे किसकी बात की जा रही है, यहां पे बात की जा रही है फॉरेस्ट कवर की बात हो रही है, ठीक है। भारत में सर्वाधिक वनावरण वाले राज्य, सबसे पहले क्षेत्रफल के आधार पर यानी कि एरिया वाइज, और दूसरा है प्रतिशत के आधार पर यानी कि परसेंटेज वाइज। भारत में क्षेत्रफल के आधार पर सर्वाधिक वनावरण ISFR रिपोर्ट 2021 के अनुसार भारत में क्षेत्रफल के आधार पर सर्वाधिक वनावरण वाला राज्य है मध्य प्रदेश, सेकेंड नंबर पर आता है अरुणाचल प्रदेश, और थर्ड नंबर पर आता है हमारा छत्तीसगढ़, ठीक है। ये छत्तीसगढ़ को याद रखना, सर्वाधिक वनावरण वाले राज्यों की सूची में हमारा छत्तीसगढ़ देश में तीसरे स्थान पर है, ठीक। मध्य प्रदेश में 77,493 वर्ग किलोमीटर एरिया वनावरण है, अरुणाचल प्रदेश में 66,431 वर्ग किलोमीटर एरिया वनावरण है, छत्तीसगढ़ में 55,717 वर्ग किलोमीटर, इसको याद रखना 55,717 वर्ग किलोमीटर एरिया क्या है, वनावरण है, ठीक। अगर परसेंटेज के आधार पर हम बात करें तो परसेंटेज के आधार पर सर्वाधिक वनावरण मिजोरम में है, यानी कि मिजोरम के कुल भौगोलिक क्षेत्रफल का 84.53% एरिया क्या है, वनावरण है। मिजोरम का जो भी आपका जियोग्राफिकल एरिया होगा, जो भी आपका भौगोलिक क्षेत्रफल है, उसके कुल भौगोलिक क्षेत्रफल का 84.53% एरिया क्या है, वनावरण है। अरुणाचल प्रदेश का कुल भौगोलिक क्षेत्रफल का 79.33% एरिया क्या है, वनावरण फॉरेस्ट कवर है। और थर्ड नंबर पर है मेघालय, मेघालय के कुल भौगोलिक क्षेत्रफल का 76% एरिया क्या है, यह है आपका वनावरण। इंपॉर्टेंट है याद रखना, कुल भौगोलिक क्षेत्रफल का 76% मेघालय में जो है वनावरण है। तो ये टॉप थ्री के नाम याद रखना, स्पेशली यहां पर छत्तीसगढ़ का। यहां पर ध्यान दीजिए, केंद्र शासित प्रदेशों में सर्वाधिक वनावरण क्षेत्रफल जम्मू कश्मीर, और आपका सर्वाधिक वनावरण प्रतिशत जो है ये लक्षद्वीप का है,
यानी कि क्षेत्रफल के आधार पर जो जम्मू कश्मीर और लद्दाख ये क्या है, ये केंद्र शासित प्रदेश है, केंद्र शासित प्रदेश बना दिया गया इन्हें वर्ष 2019 से। ठीक, तो अगर क्षेत्रफल के आधार पर बात किया जाए एरिया वाइज तो सर्वाधिक वनावरण जम्मू कश्मीर में है। अगर परसेंटेज के हिसाब से बात किया जाए तो वो है लक्षद्वीप। लक्षद्वीप के कुल भौगोलिक क्षेत्रफल का सर्वाधिक हिस्सा क्या है, ये वनावरण है। ठीक है, तो इसमें से टॉप थ्री के नाम याद रखना। सेकेंड नंबर पर अरुणाचल, क्षेत्रफल के आधार पर और आपका प्रतिशत के आधार पर दोनों में अरुणाचल प्रदेश सेकेंड पोजिशन पर कॉमन है। ठीक, नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट है वन क्षेत्र में बढ़ोतरी के मामले में पांच शीर्ष राज्य, यानी कि यहां पर बात की जा रही है ISFR रिपोर्ट 2019 के कंपैरिजन में ISFR रिपोर्ट 2021, दो साल में एक बार जारी होता है, तो यह कंपैरिजन बताया जा रहा है, यानी कि पिछले रिपोर्ट की तुलना में 2021 की रिपोर्ट, 2019 की रिपोर्ट के कंपैरिजन में 2021 में वन क्षेत्र में बढ़ोतरी की बात हो रही है। ठीक, सबसे पहले नंबर पर है आंध्र प्रदेश। आंध्र प्रदेश में पिछले रिपोर्ट की तुलना में 2021 में यहां पर 647 वर्ग किलोमीटर वन क्षेत्र में वृद्धि हुई है। ठीक है, वन क्षेत्र में वृद्धि दर्ज की गई है। सेकंड नंबर पर तेलंगाना, थर्ड नंबर पर उड़ीसा, फोर्थ नंबर पर कर्नाटक और फिफ्थ नंबर पर है झारखंड। ठीक है, तेलंगाना में 632 वर्ग किलोमीटर वन क्षेत्र में वृद्धि दर्ज की गई है, उड़ीसा में 537 वर्ग किलोमीटर, कर्नाटक में 155 वर्ग किलोमीटर और झारखंड में 110 वर्ग किलोमीटर ये वन क्षेत्र में वृद्धि दर्ज की गई है पिछले रिपोर्ट की तुलना में। ठीक, इंपॉर्टेंट है इसे याद रखना। परसेंटेज भी दिया गया है कि आंध्र प्रदेश में जो है 2019 के कंपैरिजन में 2021 में 2.22% वन क्षेत्र की वृद्धि हुई है। ठीक, देखिए हमारे लिए इंपॉर्टेंट है छत्तीसगढ़। छत्तीसगढ़ के वनावरण में, ठीक है, छत्तीसगढ़ के वनावरण में अभी हमने देखा था 55,717 वर्ग किलोमीटर क्या है, छत्तीसगढ़ का वनावरण है। तो छत्तीसगढ़ के वनावरण में पिछले रिपोर्ट की तुलना में 2019 के कंपैरिजन में 2021 में छत्तीसगढ़ के वनावरण में 106 वर्ग किलोमीटर की वृद्धि दर्ज की गई है। 106 वर्ग किलोमीटर की वृद्धि दर्ज की गई है। अगर परसेंटेज के हिसाब से बात किया जाए तो 0.19% 0.19% की वृद्धि हुई है छत्तीसगढ़ के वनावरण में। और इस वृद्धि के मामले में देखिए, हमने टॉप फाइव स्टेट देखा, सबसे पहले में आंध्र प्रदेश, दूसरे में तेलंगाना, थर्ड में उड़ीसा, फोर्थ में कर्नाटक, फिफ्थ में झारखंड। तो इस क्रम में हमारा छत्तीसगढ़ वनावरण में वृद्धि के मामले में हमारा छत्तीसगढ़ देश में सातवें स्थान पर है। ठीक, वनावरण में सर्वाधिक कमी की अगर बात की जाए, यानी कि 2019 के कंपैरिजन में 2021 में किस राज्य के वनावरण में सर्वाधिक कमी हुई, सर्वाधिक वृद्धि किस में हुई, यह हमने देख लिया। सर्वाधिक कमी किस में हुआ पूछा जाए तो यह है अरुणाचल प्रदेश। पूरे ओवरऑल इंडिया में जो स्टेट लेवल में जो आपके एग्जाम होते हैं पीएससी एग्जाम, स्टेट पीएससी, उसमें बहुत बार का ये क्वेश्चन बना हुआ है। केवल हमारे छत्तीसगढ़ की बात नहीं कर रहा हूं मैं, छत्तीसगढ़ में व्यापम में भी ये क्वेश्चन बना हुआ है। छत्तीसगढ़ के साथ साथ अन्य राज्यों की भर्ती परीक्षाओं का भी क्वेश्चन बना हुआ है कि ISFR रिपोर्ट 2021 में पिछले रिपोर्ट की तुलना में किस राज्य के वनावरण में सर्वाधिक कमी दर्ज की गई, तो वह है आपका अरुणाचल प्रदेश। ठीक है, केवल छत्तीसगढ़ सामान्य अध्ययन के को फोकस करते हुए मत बैठिए। मैंने देखा है बहुत से स्टूडेंट केवल छत्तीसगढ़ सामान्य अध्ययन को ही बार बार पढ़ते हैं, इंडियन जीएस पर वो फोकस नहीं करते। आपके 100 नंबर का अगर सीजीपीएससी प्री एग्जाम का क्वेश्चन बनता है तो उस 100 क्वेश्चन में से 50% छत्तीसगढ़ का वेटेज है और बाकी बचा वो 50% इंडियन जीएस है, तो उसको भी थोड़ा सा लेते हुए चलना। ठीक है, भारत में अगर कुल वृक्षावरण की बात किया जाए तो भारत का वृक्षावरण है 95,748 वर्ग किलोमीटर, जो कि भारत के कुल भौगोलिक क्षेत्रफल का, भारत का भौगोलिक क्षेत्रफल 32,87,263 वर्ग किलोमीटर है, उसका 2.91% एरिया क्या है, ये वृक्षावरण है। ठीक है, भारत के वृक्षावरण में 721 वर्ग किलोमीटर अगर परसेंटेज के हिसाब से बात किया जाए तो 0.76% की वृद्धि दर्ज की गई है पिछले रिपोर्ट की तुलना में। अब हम देखेंगे इस वृक्षावरण में राज्यों की स्थिति, कंपैरिजन देखेंगे। ठीक है, अगर देखा जाए
क्षेत्रफल के आधार पर, इधर क्षेत्रफल के आधार पर दिया गया और इधर प्रतिशत के आधार पर दिया गया है। क्षेत्रफल के आधार पर भारत में सर्वाधिक वृक्षावरण यानी कि ट्री कवर क्षेत्रफल के आधार पर भारत में सर्वाधिक वृक्षावरण है महाराष्ट्र में, सेकेंड नंबर पर राजस्थान और थर्ड नंबर पर है मध्य प्रदेश। ठीक है, अब यहां पर आप सोचेंगे कि राजस्थान जो है ये एकदम वीरान पूरा का पूरा रेगिस्तान वाला एरिया है, यहां पे वृक्षावरण सर्वाधिक कैसे? लेकिन यहां ध्यान देना, यहां पे वनावरण कम है, वृक्षावरण के मामले में सेकंड पोजीशन पर है। जो मैंने आपको ट्री कैनपी डेंसिटी का जो आपको जो डेफिनेशन बताया, किसी भी भूभाग का जब सर्वे किया जा रहा है तो उसके कुल भौगोलिक क्षेत्रफल के 10% से कम एरिया में या 1 हेक्टेयर से कम एरिया में वृक्षों का सघन मंडपाकार आवरण है तो उसे वृक्षावरण के अंतर्गत रखा जाता है। राजस्थान में रेगिस्तान जरूर है, पूरा का पूरा रेतीला एरिया है, लेकिन वहां पर भी वृक्ष मौजूद है जो कि सघन मंडपाकार आवरण नहीं बना पाते, इसलिए उन्हें उसे वनावरण के अंतर्गत न रख करके उसे वृक्षावरण ट्री कवर के अंतर्गत रखा जाता है। इस कारण से सेकंड पोजीशन पर है, फर्स्ट में महाराष्ट्र, सेकंड में राजस्थान, थर्ड में मध्य प्रदेश क्षेत्रफल के आधार पर। अगर प्रतिशत के आधार पर बात किया जाए तो फर्स्ट नंबर पर है केरल। केरल के कुल भौगोलिक क्षेत्रफल का 7.26% एरिया ट्री कवर है। गोवा के कुल भौगोलिक क्षेत्रफल का 6.59% एरिया ट्री कवर है। छत्तीसगढ़ के कुल भौगोलिक क्षेत्रफल का 3.96% एरिया क्या है? ट्री कवर। छत्तीसगढ़ का भौगोलिक क्षेत्रफल 135,194 वर्ग किलोमीटर, ये छत्तीसगढ़ का भौगोलिक क्षेत्रफल है। ठीक, इसमें से 3.96% एरिया क्या है? ये है आपका ट्री कवर। ठीक, नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट है आपका मैंग्रोव वन। मैंग्रोव वन क्या होता है? मैंग्रोव वन यानी कि खारे पानी में पनपने वाले वनस्पतियों को कहा जाता है मैंग्रोव वन। जो भारत का जो समुद्री तटवर्ती एरिया है, भारत का अगर आप मैप देखेंगे तो ये इस प्रकार से है, ये यहाँ पर जो है पूरा ये समुद्र से लगा हुआ है। इधर तरफ आपका अरब सागर है, इधर तरफ बंगाल की खाड़ी है। तो ये समुद्र के तटवर्ती एरिया में, समुद्र के किनारे में खारे पानी में पनपने वाले वनस्पतियों को मैंग्रोव वन कहा जाता है। ठीक है, तो भारत में मैंग्रोव वन क्षेत्र कितना है पूछा जाए तो वो है आपका 4,992.33 वर्ग किलोमीटर। ये भारत का कुल मैंग्रोव वन का क्षेत्र है। ठीक, ISFR रिपोर्ट 2021 के अनुसार अगर बात किया जाए कि भारत में सर्वाधिक मैंग्रोव वन किस राज्य में है तो वो है आपका पश्चिम बंगाल। इंपॉर्टेंट है, याद रखना। ठीक है, अगर आप तटवर्ती राज्यों की अगर आप बात करेंगे तो पश्चिम बंगाल है, उसके साइड में उड़ीसा, उड़ीसा के नीचे आंध्र प्रदेश, फिर आपका तमिलनाडु हो गया, केरल हो गया, गोवा का आपका, कर्नाटक, महाराष्ट्र, ये सभी के सभी क्या है, ये तटवर्ती एरिया में है। आपका गुजरात भी है। ठीक है, तो इन सभी तटवर्ती राज्यों में सर्वाधिक मैंग्रोव वन का क्षेत्र किस राज्य में पूछा जाए तो वो है आपका पश्चिम बंगाल। ठीक, आंकड़े याद कर सकते हैं तो ठीक है, नहीं याद कर सकते तो मत कीजिएगा। यहां पर आपको कंपैरिजन बताने के लिए यहां पर आंकड़ा लिखा गया है। ठीक है, पश्चिम बंगाल में लगभग 2113.77 वर्ग किलोमीटर एरिया में आपका मैंग्रोव वन है। जो अगर परसेंटेज के हिसाब से बात किया जाए तो पश्चिम बंगाल के कुल मैंग्रोव वन क्षेत्र का, ठीक है, जो आपका 4,992.33 वर्ग किलोमीटर एरिया, जो पूरे भारत में जो मैंग्रोव वन है, इसका 42.33% मैंग्रोव वन पश्चिम बंगाल में स्थित है। ठीक है, सेकंड नंबर पर है गुजरात। देखिए, दो कॉर्नर पर, इस तरफ है पश्चिम बंगाल और उसके जस्ट ऑपोजिट है गुजरात। सेकंड नंबर पर है गुजरात, 1,175.07 वर्ग किलोमीटर एरिया में मैंग्रोव वन है आपके गुजरात में, जो कि कुल मैंग्रोव वन क्षेत्र का 23.54% मैंग्रोव वन गुजरात में है। ठीक, थर्ड नंबर पर है अंडमान निकोबार। तो कम से कम टॉप थ्री को याद कर लेना। नेक्स्ट है आपका कार्बन स्टॉक। अभी पहले हम ना भारत के राज्यों में वनों की स्थिति को देख रहे हैं, अब इसके बाद छत्तीसगढ़ का देखेंगे। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट है कार्बन स्टॉक। अभी कार्बन स्टॉक क्या होता है, अगर सीधे साधारण शब्दों में मैं बताऊं तो आप सभी को पता होगा, जो वृक्ष है, वृक्ष यानी कि पेड़ पौधे, वनस्पतियां, ये क्या करती है, ये CO2 को अवशोषित करती है और उसके बदले में ऑक्सीजन, CO2 को जो है अवशोषित करती है और ऑक्सीजन उत्सर्जित करती है। और हम मनुष्य क्या करते हैं, हम मनुष्य ऑक्सीजन को ग्रहण करते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड को छोड़ते हैं। तो ये जो कार्बन स्टॉक का मतलब क्या है,
कार्बन स्टॉक का मतलब वन क्षेत्रों की वह संख्या जो कि वायुमंडल में स्थित कार्बन डाइऑक्साइड को अवशोषित कर सकती है। कार्बन डाइऑक्साइड को अवशोषित करने की जो क्षमता है वनों की, उसे कहा जा रहा है आपका कार्बन स्टॉक। अगर अच्छे से डेफिनेशन के साथ इसे समझना चाहते हैं तो सीजीपीएससी ई पाठशाला यूट्यूब चैनल का आईएसएफआर 2021 के रिपोर्ट को सर्च कीजिएगा यूट्यूब में, काफी डिटेल में इमेज के साथ आपको मिल जाएगा। देखिए अपने आप में ना ये रिपोर्ट काफी बड़ा है, उसको मैं यहां पर एक एक करके डिटेलिंग नहीं कर सकता क्योंकि जबरदस्ती का वीडियो बहुत बड़ा हो जाएगा, ठीक है। इसलिए आपको बता रहा हूं कि अगर किसी प्रकार का किसी भी टॉपिक में कंफ्यूजन लगेगा तो हमारे ही यूट्यूब चैनल में आईएसएफआर रिपोर्ट 2021 सीजीपीएससी ई पाठशाला करके सर्च कीजिएगा। भारत में का वन स्थिति रिपोर्ट और छत्तीसगढ़ का वन स्थिति रिपोर्ट दोनों आपको यूट्यूब पर मिल जाएगा, ठीक है। तो ये होता है आपका कार्बन स्टॉक। कार्बन स्टॉक देश के जंगल में कुल कार्बन स्टॉक है 7204 मिलियन टन होने का अनुमान है, यानी कि इतना वन हमारे जो वन क्षेत्र है हमारे वन क्षेत्र के द्वारा 7204 मिलियन टन कार्बन डाइऑक्साइड का अवशोषण किया जा सकता है। कार्बन डाइऑक्साइड का अवशोषण कर उसे ग्रहण कर वो कार्बन के रूप में स्टॉक कर सकते हैं, ठीक है। 2019 के अंतिम आकलन की तुलना में देश के कार्बन स्टॉक में, यानी कि पिछले रिपोर्ट की तुलना में देश के कार्बन स्टॉक में 79.4 मिलियन टन की वृद्धि दर्ज की गई है। कार्बन स्टॉक में वार्षिक वृद्धि 39.7 मिलियन टन अनुमानित है। ये तो द्विवार्षिक वृद्धि हो गया 2019 के कंपैरिजन में 2021 का, और ये वार्षिक वृद्धि बोल रहा है यानी कि 2020 के कंपैरिजन में 2021 का, ठीक है। अगर सर्वाधिक कार्बन स्टॉक की अगर बात की जाए तो हमारे देश में सर्वाधिक कार्बन स्टॉक है आपके अरुणाचल प्रदेश में 1024 मिलियन टन, सेकेंड नंबर पर है मध्य प्रदेश 609 मिलियन टन, और थर्ड नंबर पर है हमारा छत्तीसगढ़। इंपॉर्टेंट यह है, याद रखिएगा कार्बन स्टॉक के मामले में हमारा छत्तीसगढ़ देश में तीसरे स्थान पर है, 496 मिलियन टन कार्बन स्टॉक है हमारे छत्तीसगढ़ में, ठीक। छत्तीसगढ़ में देश के कुल कार्बन स्टॉक का 6.89% कार्बन स्टॉक है जो कि 1820 मिलियन टन CO2 के समतुल्य है, ठीक है। 1820 मिलियन टन CO2 के समतुल्य है, यानी कि कार्बन डाइऑक्साइड को अवशोषित करके इतने मिलियन टन कार्बन के स्टॉक के रूप में संचित कर सकता है हमारा वन क्षेत्र, ठीक। चलिए आगे देखते हैं, नेक्स्ट देखिए, अब बात करेंगे हम छत्तीसगढ़ की। अभी तो हम छत्तीसगढ़ का ओवरऑल इंडिया के अलग अलग राज्यों से उसका कंपैरिजन देख रहे थे कि छत्तीसगढ़ का देश में कौन सा स्थान है, अब हम केवल छत्तीसगढ़ की बात करेंगे। तो छत्तीसगढ़ में वनों की स्थिति, छत्तीसगढ़ का भौगोलिक क्षेत्रफल है 135194, कई जगह आपको 135194 लिखा हुआ मिलेगा, 135191, 135192, 135193, 135194, 135198 लिखा हुआ मिलेगा। तो ये लास्ट डिजिट को लेकर के कोई कमेंट मत करना कि सर मैंने 135191 पढ़ा है, 135192 पढ़ा है, ये लास्ट का डिजिट ना अलग अलग पुस्तकों में चेंज रहता है, लेकिन ये शुरू के जो आपके जो पांच डिजिट है ये सेम रहते हैं। 135192 वर्ग किलोमीटर ये छत्तीसगढ़ का कुल भौगोलिक क्षेत्रफल है, ठीक है। यानी कि जो हमारा छत्तीसगढ़ का जो हम ये मैप बनाते हैं ना, ये तो इसका कुल एरिया कितना है, इसका कुल एरिया है 135194 या 135192 वर्ग किलोमीटर, ठीक। अगर वनावरण की बात की जाए तो छत्तीसगढ़ का वनावरण है 55717 वर्ग किलोमीटर, जो कि छत्तीसगढ़ के कुल भौगोलिक क्षेत्रफल का 41.21% एरिया है। काफी इंपॉर्टेंट है, याद रखना, एग्जाम में यह प्रश्न पूछा जाता है कि छत्तीसगढ़ में वनावरण का प्रतिशत क्या है, तो वो है आपका 41.21%। छत्तीसगढ़ के कुल भौगोलिक क्षेत्रफल 135192 वर्ग किलोमीटर में, वर्ग किलोमीटर का 41.21% एरिया क्या है, वनावरण है, ठीक, फॉरेस्ट कवर है। दूसरा है वन क्षेत्रफल। अब ये वन क्षेत्रफल क्या है आगे आपको बताऊंगा। वन क्षेत्रफल है 59816 वर्ग किलोमीटर, 59816 वर्ग किलोमीटर, जो कि छत्तीसगढ़ के कुल भौगोलिक क्षेत्रफल का 44.25% एरिया क्या है, ये वन क्षेत्र है। तीसरा है वृक्षावरण, हम देख चुके हैं छत्तीसगढ़ का वृक्षावरण है 5355 वर्ग किलोमीटर, जो कि छत्तीसगढ़ के कुल भौगोलिक क्षेत्रफल का 3.96% एरिया क्या है, वृक्षावरण है। अब देखिए
वन रिपोर्ट यानी कि ISFR रिपोर्ट 2021 के अनुसार, ये डाटा हमने पहले पढ़ा हुआ है, हमारा छत्तीसगढ़ देश में तीसरे स्थान पर है। वृक्षावरण का आंकड़ा हमने पढ़ा हुआ है, अब यहां आ रहा है वन क्षेत्रफल। ये वन क्षेत्रफल होता है आपका रिकॉर्डेड फॉरेस्ट एरिया, RFA, रिकॉर्डेड फॉरेस्ट एरिया। जो ISFR रिपोर्ट बनता है, ठीक है, इंडियन स्टेट फॉरेस्ट रिपोर्ट जो बनता है, ये द्विवार्षिक रिपोर्ट है जो कि सैटेलाइट इमेजों के माध्यम से, ठीक है, जो आपके सैटेलाइट्स जो है, सैटेलाइट्स के द्वारा जो इमेज कैप्चर किए जाते हैं, उन सैटेलाइट इमेज के माध्यम से यह रिपोर्ट तैयार किया जाता है। जबकि ये जो वन क्षेत्रफल है यानी कि रिकॉर्डेड फॉरेस्ट एरिया, इसे हिंदी में कहा जाता है अभिलिखित वन क्षेत्र। जो रिकॉर्डेड फॉरेस्ट एरिया जो है ना, ये ऑन पेपर रिकॉर्ड में है, ठीक है, ऑन पेपर रिकॉर्ड, यानी कि किसी राज्य शासन के द्वारा अगर किसी क्षेत्र को वन क्षेत्र घोषित कर दिया गया है तो उस क्षेत्र के अंतर्गत आने वाला समस्त एरिया, पूरा का पूरा जो क्षेत्रफल है, उसे वन कंसिडर किया जाता है। फॉर एग्जाम्पल, जैसे कि मान लीजिए, अगर आपको साधारण शब्द में बताऊं, ये एक लैंड एरिया है, इससे पहले मैंने आपको बताया था क्या, फॉरेस्ट कवर, ठीक है, यानी कि वनावरण, जिसमें अगर 10% से अधिक एरिया या 1 हेक्टेयर से अधिक एरिया में वृक्षों का सघन मंडपाकार आवरण है तो उसे हम क्या कहते हैं, वनावरण। वनावरण के अंतर्गत उसकी काउंटिंग की जाती है, यानी कि फॉरेस्ट कवर के अंतर्गत। लेकिन अगर मान लीजिए कोई स्टेट गवर्नमेंट है, स्टेट गवर्नमेंट ने इस पूरे के पूरे एरिया को ही फॉरेस्ट एरिया घोषित कर दिया है, अब उसमें केवल इतने ही क्षेत्र में, इस पूरे भूभाग के केवल इतने ही क्षेत्र में वृक्ष है, बाकी क्षेत्र में आपके जो है नदियां प्रवाहित हो रही है, चट्टाने मौजूद है, जलप्रपात मौजूद है, वन्य जीव मौजूद है, देखिए इसमें केवल इतने ही एरिया में वृक्षों का सघन मंडपाकार आवरण है, लेकिन सरकार ने क्या किया, ऑन पेपर इस पूरे के पूरे एरिया को उसने वन क्षेत्र घोषित कर दिया है। भले ही यहां पे वृक्षों का सघन मंडपाकार आवरण हो या ना हो, लेकिन इस पूरे के पूरे लैंड को अगर सरकार ने वन क्षेत्र घोषित कर दिया है तो यह कहलाता है रिकॉर्डेड फॉरेस्ट एरिया, अभिलिखित वन क्षेत्र। वनावरण और वन क्षेत्र, वनावरण जो है कि सैटेलाइट इमेज के ऊपर वैज्ञानिक पद्धति के माध्यम से जो सैटेलाइट के द्वारा जो इमेज कैप्चर किया जाता है उस पर आधारित होता है वनावरण। जबकि जो वन क्षेत्रफल है, यहां तो वन क्षेत्रफल लिखा हुआ है, इसके आगे आप लिख दीजिएगा अभिलिखित वन क्षेत्र, अभिलिखित वन क्षेत्र। जो अभिलिखित वन क्षेत्र है, रिकॉर्डेड फॉरेस्ट एरिया जो होता है, ये गवर्नमेंट के द्वारा कानूनी दायरे के भीतर जो एरिया को वन क्षेत्र घोषित किया जाता है वो आता है आपके अभिलिखित वन क्षेत्र के अंतर्गत, यानी कि रिकॉर्डेड फॉरेस्ट एरिया के अंतर्गत, ठीक है। तो ये है इसमें, ये जो परसेंटेज है ना, इन परसेंटेज को थोड़ा मेन याद करना, ये दो परसेंटेज से तो एग्जाम में बहुत बार प्रश्न पूछा जाता है, ठीक है। और उसमें ना प्रश्न किस प्रकार से पूछा जाएगा कि छत्तीसगढ़ में वन क्षेत्र का प्रतिशत कितना है, क्या पूछ रहा है, छत्तीसगढ़ में वन क्षेत्र का प्रतिशत कितना है। अब यहां पर 2% दिया गया है, मैंने यहां बताया आपको वनावरण और दूसरा बताया है वन क्षेत्रफल, और यहां पूछ रहा है क्या, वन क्षेत्र। अब उसमें जो 4 ऑप्शन देगा ना, उस 4 ऑप्शन में देखिए, ऑप्शन ए आपको दे दिया 40.22, ऑप्शन बी दे दिया 41.21, ऑप्शन सी दे दिया 42.24, ऑप्शन डी दे दिया 43.33, ऐसे आपको आपको ऑप्शन दिया है। पूछा है वन क्षेत्र, आपको दोनों डाटा याद रखना है। एग्जाम में क्या करता है पता है, कई बार जो है आपको 41.21 देगा, अगर ऑप्शन में 41.21 नहीं है तो इसके जगह में 44.25 देगा। दोनों आंकड़े आपको याद होने चाहिए, क्योंकि कई बार एग्जाम में ना वन क्षेत्र करके पूछ देता है और उसमें समझ में नहीं आता कि वनावरण का पूछ रहा है कि वन क्षेत्रफल का पूछ रहा है, यानी कि फॉरेस्ट कवर पूछ रहा है या रिकॉर्डेड फॉरेस्ट एरिया पूछ रहा है, यह समझ में नहीं आता। उसमें 4 ऑप्शन को देख करके आपको अपना आंसर लेना होगा। उसमें जो है अगर 4 ऑप्शन में 41.21% दिया है तो उसे लेंगे, 41.21% नहीं दिया है, 44.25% दिया है तो आप उसे लेंगे, ठीक है। तो यह है छत्तीसगढ़ में आपका वनावरण, वृक्षावरण और अभिलिखित वन क्षेत्र, ठीक। चलिए
भारतीय वन स्थिति रिपोर्ट 2021 में पिछले रिपोर्ट की तुलना में छत्तीसगढ़ के वनावरण यानी कि बात हो रही है आपके इस फॉरेस्ट कवर की 55,717 वर्ग किलोमीटर में 106.03 वर्ग किलोमीटर परसेंटेज के हिसाब से 0.19% की वृद्धि दर्ज की गई है। पहले भी हमने पढ़ा हुआ है, ठीक है। चलिए, क्षेत्रफल के अनुसार सर्वाधिक वनावरण, यहां पर जो है ना वनावरण में 18 जिलों के आंकड़े दिए गए हैं। अभी जैसे छत्तीसगढ़ में वर्तमान में कितने जिलों की संख्या कितनी है, टोटल है आपके छत्तीसगढ़ में 33 जिले, ठीक है, लेकिन यहां पर आंकड़े बताए गए हैं 18 जिलों के, यानी कि जनगणना 2011 के समय जो जिलों की संख्या थी वो आंकड़े इसमें दिए गए, ठीक है, यानी कि टोटल 18 जिलों के आंकड़ों को इसमें कंसिडर करता है। क्षेत्रफल के अनुसार सर्वाधिक वनावरण की अगर बात किया जाए, अच्छा अभी आगे देखना है, ये तो छत्तीसगढ़ की बात हो रही है। क्षेत्रफल के आधार पर सर्वाधिक वनावरण की अगर बात की जाए तो पहले नंबर पर है मध्य प्रदेश 77,493 वर्ग किलोमीटर, सेकंड नंबर पर है अरुणाचल प्रदेश 66,431 वर्ग किलोमीटर और थर्ड नंबर पर है हमारा छत्तीसगढ़ 55,717 वर्ग किलोमीटर क्षेत्रफल के अनुसार सर्वाधिक वनावरण की स्थिति में। अगर क्षेत्रफल के अनुसार सर्वाधिक वन क्षेत्र की बात की जाए, देखिए ये क्या है फॉरेस्ट कवर, जो मैंने अभी आपको बताया वनावरण, और ये क्या है क्षेत्रफल के आधार पर सर्वाधिक वन क्षेत्र, यहां पर लिखा हुआ रिकॉर्डेड फॉरेस्ट एरिया RFA, रिकॉर्डेड फॉरेस्ट एरिया, यानी कि यहां पर अभिलिखित वन क्षेत्र की बात की जा रही है गवर्नमेंट के ऑन रिकॉर्ड की, अभिलिखित वन क्षेत्र की यहां बात हो रही है, ठीक है। तो अगर बात किया जाए वनावरण, यानी कि सैटेलाइट इमेज के माध्यम से वैज्ञानिक पद्धति के द्वारा जो वन रिपोर्ट तैयार की जाती है उसमें हमारा छत्तीसगढ़ देश में तीसरे स्थान पर है, पहले मध्य प्रदेश, दूसरे में अरुणाचल प्रदेश और तीसरे में है छत्तीसगढ़। अब अगर बात किया जाए अभिलिखित वन क्षेत्र में, तो अभिलिखित वन क्षेत्र में पहले नंबर पर है मध्य प्रदेश, यानी कि स्टेट गवर्नमेंट द्वारा घोषित वन क्षेत्र है। पहले नंबर पर है मध्य प्रदेश 94,690 वर्ग किलोमीटर, सेकंड नंबर पर है महाराष्ट्र 61,952 वर्ग किलोमीटर, तीसरे नंबर पर है उड़ीसा 61,204 वर्ग किलोमीटर और चौथे नंबर पर है हमारा छत्तीसगढ़ 59,816 वर्ग किलोमीटर, ठीक है 59,816 वर्ग किलोमीटर। अब यहां पर ध्यान दीजिएगा, अगर प्रश्न पूछा जाएगा, एक चीज ध्यान देना, यहां पर मैं क्या बोला हूं वनावरण के आधार पर यानी कि फॉरेस्ट कवर, अभिलिखित वन क्षेत्र के आधार पर यानी कि रिकॉर्डेड फॉरेस्ट एरिया के आधार पर, वनावरण के आधार पर छत्तीसगढ़ देश में तीसरे स्थान पर है, रिकॉर्डेड फॉरेस्ट एरिया के मामले में हमारे छत्तीसगढ़ देश में चौथे स्थान पर है। प्रश्न पूछा जाता है कि छत्तीसगढ़ में वनों की स्थिति के आधार पर हमारा छत्तीसगढ़ देश में कौन सा स्थान पर है, देश में स्थान वन क्षेत्र के आधार पर, तो आपका आंसर हमेशा होगा तीसरा। आर्थिक सर्वेक्षण की पुस्तक में पहले ही पैराग्राफ में दिया गया है वानिकी वाले चैप्टर में कि हमारा छत्तीसगढ़ जो है वनावरण के मामले में देश में तीसरे स्थान पर है, जबकि वन क्षेत्र के मामले में देश में चौथे स्थान पर है। वनावरण के मामले में देश में तीसरा स्थान, वन क्षेत्र के मामले में देश में चौथा स्थान, लेकिन ये क्वेश्चन एग्जाम में बहुत बार पूछा गया है, उसमें वन क्षेत्र पूछता है, वनावरण नहीं पूछता, वन क्षेत्र पूछता है और आंसर लिया जाता है तीसरा। इसलिए मैंने अलग से बॉक्स में यहाँ पे लिखा भी हुआ है, ये आपके इकोनॉमिक सर्वे के बुक का ही ये सारा डाटा मैं आपको बता रहा हूँ। यहाँ पे मैंने इकोनॉमिक सर्वे के बुक में मेंशन भी किया है कि आपके छत्तीसगढ़ लोक सेवा आयोग की CGPSC प्रारंभिक परीक्षा में वन क्षेत्र फॉरेस्ट एरिया के आधार पर छत्तीसगढ़ देश का तीसरा बड़ा राज्य उत्तर लिया गया है, अतः आयोग के उत्तर के आधार पर वनावरण एवं वन क्षेत्र दोनों में छत्तीसगढ़ तीसरा बड़ा राज्य को प्रमाणित माने। जबकि गवर्नमेंट का जो ऑफिशियल इकोनॉमिक सर्वे आता है उसके अध्याय 8 वानिकी वाले चैप्टर के फर्स्ट पैराग्राफ का ही आपका स्टेटमेंट है कि वनावरण के आधार पर छत्तीसगढ़ देश में तीसरे स्थान पर है और वन क्षेत्र के आधार पर देश में चौथे स्थान पर है, लेकिन PSC आंसर नहीं लेता और दावा आपत्ति में उस इकोनॉमिक सर्वे, गवर्नमेंट के ऑफिशियल इकोनॉमिक सर्वे को भी कंसिडर नहीं करता है, अपनी मनमानी करता है, ठीक है। तो आपसे वनावरण पूछे या वन क्षेत्र पूछे, दोनों में हमारा छत्तीसगढ़ देश में तीसरे स्थान पर है, ठीक है। पहले बार जो गवर्नमेंट के ऑफिशियल रिकॉर्ड के आधार पर, जब ये एग्जाम में प्रश्न आया नहीं था तो गवर्नमेंट के ऑफिशियल रिकॉर्ड के आधार पर मैंने बच्चों को वनावरण के आधार पर तीसरा और वन क्षेत्र के आधार पर चौथा बताया था,
बच्चों ने जिस प्रकार से मैं पढ़ाया उस हिसाब से जा करके उन्होंने आंसर अटेम्प्ट किया, लेकिन आयोग ने अपना आंसर ले लिया तीसरा, जबकि वन क्षेत्र के आधार पर छत्तीसगढ़ देश में चौथा मैंने पढ़ाया हुआ है इकोनॉमिक सर्वे के आधार पर। और उसके बाद फिर बच्चे आकर के कमेंट कर रहे हैं मेरे को कि सर आपके कारण हमारा एक क्वेश्चन गलत हो गया, आपने जो है हमें गलत पढ़ा दिया। कोई भी चीज़ आपको गलत नहीं पढ़ाया जाता, ये सारा रिकॉर्ड ऑफिशियल गवर्नमेंट के इकोनॉमिक सर्वे बजट द्वारा, बजट में जो प्रेस रिलीज जो होता है उससे आंकड़े उठा करके आपको बताए जाते हैं। ये ISFR रिपोर्ट जो है आपके इकोनॉमिक सर्वे में नहीं है, इसका अलग से रिपोर्ट जो है उसको मैंने उसके डाटा इसमें एड ऑन किए हैं। जितने एक्स्ट्रा चीज़ें एग्जाम के हिसाब से जो इंपॉर्टेंट है वो सारी चीज़ें मैं बताता हूँ, लेकिन कुछ जगह पर जो अगर आयोग को अपनी मनमानी करनी होती तो आयोग अपनी मनमानी करके ही मानता है, वो ऑथेंटिक सोर्स को भी नहीं लेता फिर, ठीक है। तो ये चीज़ को थोड़ा ध्यान देना, दोनों कंडीशन में वनावरण पूछे या वन क्षेत्र पूछे, हमारे छत्तीसगढ़ देश में देखिए वनावरण फॉरेस्ट कवर या वन क्षेत्र फॉरेस्ट एरिया छत्तीसगढ़ देश में तीसरे स्थान पर है। छत्तीसगढ़ में वनावरण का विवरण, अब वनावरण का विवरण अब देखिए यहाँ पर क्या क्या लिखा हुआ है, अत्यंत सघन सामान्य सघन खुला वन, अत्यंत सघन जहां पर जो है पेड़ काफी पास पास में चिपके चिपके होते हैं, ठीक है, सामान्य सघन उस अत्यंत सघन के कंपैरिजन में काफी दूर, और एक होता है खुला वन, ठीक है। फिर से बता रहा हूं CGPSC ई पाठशाला का ISFR रिपोर्ट 2021 को जाकर के थोड़ा देख लेना, उसने पूरा इमेज के साथ मैंने बताया है कि आपका अत्यंत सघन वन क्या होता है। अत्यंत सघन यानी कि एकदम डेंस फॉरेस्ट, सामान्य सघन आपके अत्यंत सघन से थोड़े से छठे छठे, जहां पे पेड़ काफी पास पास में होते हैं वो अत्यंत सघन। अत्यंत सघन के कंपैरिजन में सामान्य सघन में पेड़ जो है काफी थोड़े दूर होते हैं, खुला वन जहां पर पेड़ काफी दूर होते हैं। तो ये होता है अत्यंत सघन, सामान्य सघन और आपका खुला वन। अत्यंत सघन की बात किया जाए तो छत्तीसगढ़ में 7068 वर्ग किलोमीटर एरिया में अत्यंत सघन वन है, ठीक है। देखिए छत्तीसगढ़ का वनावरण कितना है, 55,717 वर्ग किलोमीटर। इस 55,717 वर्ग किलोमीटर में से 7068 वर्ग किलोमीटर क्या है, अत्यंत सघन वन है, जबकि 32,279 वर्ग किलोमीटर एरिया क्या है, ये सामान्य सघन वन है, और आपका खुला वन क्या है, 16,370 वर्ग किलोमीटर। 55,717 में से 16,370 वर्ग किलोमीटर खुला वन है। अगर देखिए यहां पर ध्यान देंगे, छत्तीसगढ़ का वनावरण है 55,717 वर्ग किलोमीटर, इस 55,717 वर्ग किलोमीटर में से सर्वाधिक एरिया में सामान्य सघन वन है। छत्तीसगढ़ में किस प्रकार के वनों का सर्वाधिक वितरण है पूछा जाए, ऑप्शन दिया जाएगा आपका अत्यंत सघन वन, ऑप्शन बी सामान्य सघन वन, ऑप्शन सी खुला वन, ऑप्शन डी झाड़िया। तो आपका आंसर क्या होगा, छत्तीसगढ़ में सर्वाधिक सामान्य सघन वन का वितरण है। परसेंटेज के हिसाब से बात किया जाए तो 55,717 वर्ग किलोमीटर में से 5.23% क्या है, अत्यंत सघन है, जबकि 23.87% एरिया क्या है, आपका सामान्य सघन है, और 12.11% एरिया क्या है, ये है आपका खुला वन। छत्तीसगढ़ कुल भौगोलिक क्षेत्रफल का 41.21% एरिया क्या है, वनावरण है, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट है छत्तीसगढ़ के 18 जिलों में सर्वाधिक वनावरण। जैसे कि मैंने बताया छत्तीसगढ़ में जिलों की संख्या 33 हो चुकी है, लेकिन ये जो रिपोर्ट है, इस रिपोर्ट में छत्तीसगढ़ में 18 जिलों के आधार पर, ठीक है, 18 जिलों के आधार पर यह रिपोर्ट बताया गया है। तो क्षेत्रफल के आधार पर अगर बात किया जाए तो क्षेत्रफल के आधार पर सरगुजा जो है, सरगुजा में सर्वाधिक आपके वनावरण है, फॉरेस्ट कवर है। उस समय के सरगुजा में कोरिया भी आता था और आपका सूरजपुर और बलरामपुर वाला एरिया आता है, ठीक है। तो ये जो सरगुजा है, सरगुजा में हमारे छत्तीसगढ़ में सर्वाधिक वनावरण है, 7,110 वर्ग किलोमीटर। सेकंड नंबर पर है आपका बीजापुर, ठीक है, सेकंड नंबर पर क्या है, बीजापुर। और थर्ड नंबर पर है आपका दंतेवाड़ा, थर्ड नंबर पर दंतेवाड़ा। इस दंतेवाड़ा के अंतर्गत आपका दंतेवाड़ा के अंतर्गत सुकमा आता था पहले, ठीक है। तो ये जो है आपका टॉप थ्री हमारे छत्तीसगढ़ के डिस्ट्रिक्ट है जहां पर आपके सर्वाधिक वनावरण है। फर्स्ट नंबर पर है आपका सरगुजा, सेकंड नंबर पर है बीजापुर, और थर्ड नंबर पर है दंतेवाड़ा। सरगुजा में 7,110 वर्ग किलोमीटर, बीजापुर में 6,538 वर्ग किलोमीटर, और दंतेवाड़ा में है 4,473 वर्ग किलोमीटर। अगर परसेंटेज के आधार पर बात किया जाए तो परसेंटेज के आधार पर नारायणपुर में सर्वाधिक आपका वनावरण है। नारायणपुर जिसे अबुझमाड़ का जंगल, यहाँ यहीं पर मौजूद है अबुझमाड़ का जंगल, अबुझमाड़ क्षेत्र कहा जाता है,
ठीक है, डेंस फॉरेस्ट। जो नारायणपुर का जो कुल भौगोलिक क्षेत्रफल है, नारायणपुर जिले के कुल भौगोलिक क्षेत्रफल का 81.61% एरिया जंगलों से घिरा हुआ है, ठीक है, आपके फॉरेस्ट एरिया से। बीजापुर के कुल भौगोलिक क्षेत्रफल का 76.65% एरिया जंगलों से घिरा है, जबकि कोरिया जिले का 62.16% एरिया ये जंगलों से घिरा है। तो प्रतिशत के आधार पर ये है आपके टॉप थ्री डिस्ट्रिक्ट। तो ये तो होगा सर्वाधिक। अगर न्यूनतम की बात किया जाए तो क्षेत्रफल के आधार पर हो या प्रतिशत के आधार पर हो, दोनों कंडीशन में जांजगीर चांपा न्यूनतम है। यहाँ पर 151 वर्ग किलोमीटर वन क्षेत्र वनावरण है। परसेंटेज के आधार पर जांजगीर चांपा के कुल भौगोलिक क्षेत्रफल का 3.93% एरिया क्या है, यह है आपका वनावरण। जांजगीर चांपा पूरा का पूरा आपका क्या है, पूरा का पूरा मैदानी एरिया है। यहीं से होकर के महानदी प्रवाहित होती है, मैदानी एरिया है। यहाँ पर जो है फॉरेस्ट यानी कि जंगल कम है, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट है आपके छत्तीसगढ़ में वन प्रशासनिक वर्गीकरण। वन प्रशासनिक वर्गीकरण एक होता है आरक्षित, दूसरा होता है संरक्षित और तीसरा होता है आपका खुला वन। आरक्षित यानी कि रिजर्व फॉरेस्ट, संरक्षित यानी कि प्रोटेक्टेड फॉरेस्ट, और वर्ग और आपका अवर्गीकृत यानी कि इसे ओपन फॉरेस्ट यानी कि खुला वन भी कहते हैं। आरक्षित वन, संरक्षित वन और अवर्गीकृत वन। अगर सीधे साधारण शब्दों में बताऊं तो आरक्षित वन का मतलब ऐसे क्षेत्र जहां पे मानव हस्तक्षेप पूर्णतः प्रतिबंधित होते हैं। फॉर एग्जाम्पल टाइगर रिजर्व हो गया, अभ्यारण्य हो गया यानी कि सेंचुरी, नेशनल पार्क, राष्ट्रीय उद्यान, बायोस्फीयर रिजर्व। आरक्षित वन जहां पे मानव हस्तक्षेप पूर्णतः प्रतिबंधित होता है वो कहलाता है रिजर्व फॉरेस्ट यानी कि आरक्षित वन। संरक्षित वन, संरक्षित वन जहां पर कुछ मात्रा में मानव हस्तक्षेप किया जा सकता है लेकिन लाइसेंस प्रणाली के आधार पर। गवर्नमेंट जो है कि लाइसेंस इशू करती है, लाइसेंस या परमिट इशू करती है, जिसके आधार पर जंगल क्षेत्र में जा करके जो आपके इमारती लकड़ी होते हैं, सागौन, साजा, बीजा, इसके अलावा जो आपके आसपास के जो जंगल क्षेत्र में रहने वाले जो ग्रामीण है उन्हें जो लघु वन उपज है, वन उपज जो होता है उसको एकत्र करने के लिए जंगलों के अंदर भेजा जाता है, तो ये परमिट या लाइसेंस के माध्यम से भेजा जाता है, तो वो कहलाता है आपका आपका संरक्षित वन यानी कि प्रोटेक्टेड फॉरेस्ट। और एक होता है अवर्गीकृत वन, ओपन फॉरेस्ट, जिसमें कानून के द्वारा किसी प्रकार का कोई भी पाबंदी नहीं होता। जो कानून के द्वारा पूर्णतः प्रतिबंधित हो रिजर्व फॉरेस्ट, कानून के द्वारा आंशिक रूप से अनुमति दी जाती है प्रोटेक्टेड फॉरेस्ट, और कानून का कोई प्रतिबंध नहीं होता ये होता है आपका अवर्गीकृत वन, ठीक है। तो अगर बात किया जाए कि छत्तीसगढ़ का जो अभिलिखित वन क्षेत्र है, यहाँ पे रिकॉर्डेड फॉरेस्ट एरिया की बात हो रही है, ठीक है, क्योंकि ये क्या है, ये वन प्रशासनिक है, ठीक है, छत्तीसगढ़ स्टेट गवर्नमेंट की बात हो रही है। छत्तीसगढ़ का रिकॉर्डेड फॉरेस्ट एरिया है 59,772.40 वर्ग किलोमीटर। इस 59,772.40 वर्ग किलोमीटर में से 25,782.17 वर्ग किलोमीटर आरक्षित वन यानी कि रिजर्व फॉरेस्ट के अंतर्गत आता है, जो कि आपका छत्तीसगढ़ के कुल रिकॉर्डेड फॉरेस्ट एरिया का 43.13% एरिया क्या है, आरक्षित वन है, ठीक है। संरक्षित वन जो कि 59,772 वर्ग किलोमीटर में से 24,036.10 वर्ग किलोमीटर क्या है, ये है आपका संरक्षित वन, जो कि 40.22% है। कुल अभिलिखित वन क्षेत्र का 40.22% एरिया संरक्षित वन यानी कि प्रोटेक्टेड फॉरेस्ट के अंतर्गत आता है। और तीसरा है आपका अवर्गीकृत या खुला वन 9,954.13 वर्ग किलोमीटर, जो कि कुल अभिलिखित वन क्षेत्र का 16.65% एरिया इस अवर्गीकृत वन यानी कि खुला वन के अंतर्गत आता है। ग्रामीण जो कि जंगलों में रहते हैं तो अपने आसपास के एरिया में जाकर के वो जलाऊ लकड़ी एकत्र करते हैं, तो जंगलों के आसपास का जो गांव के आसपास का जो छोटा मोटा जो जंगल क्षेत्र है वहां पे कानून का कोई प्रतिबंधित नहीं होता, उसे कहा जाता है अवर्गीकृत वन। अगर ये तीनों को ऐड करेंगे तब ये आ जाता है अभिलिखित वन क्षेत्र। अब यहां पर ध्यान देना, अभी जो मैं आपको पढ़ा रहा था उसमें अभिलिखित वन क्षेत्र के दो आंकड़े आपको देखने के लिए मिलेगा। आर्थिक सर्वेक्षण 22-23 के अनुसार 59,772 वर्ग किलोमीटर ये है आपका अभिलिखित वन क्षेत्र रिकॉर्डेड फॉरेस्ट एरिया, जबकि जो ISFR रिपोर्ट आया था, इंडियन स्टेट फॉरेस्ट रिपोर्ट 2021, उसके आधार पर छत्तीसगढ़ का रिकॉर्डेड फॉरेस्ट एरिया है 59,816 वर्ग किलोमीटर।
गवर्नमेंट के द्वारा पब्लिश किए गए ऑफिशियल इकोनॉमिक सर्वे में अभिलिखित वन क्षेत्र है 59,772, जबकि ISFR भारत वन स्थिति रिपोर्ट 2021 के अनुसार अभिलिखित वन क्षेत्र है 59,816 वर्ग किलोमीटर। इसलिए आपको दो जगह दो आंकड़े पढ़ने के लिए मिले होंगे, ठीक है। ये आंकड़े से उतना क्वेश्चन आता नहीं है, लेकिन फिर भी देख करके रख लीजिए, ठीक, क्योंकि आपके माइंड में आएगा कि सर दो जगह दो आंकड़े क्यों दिए गए हैं, एक इंडियन स्टेट फॉरेस्ट रिपोर्ट का है और दूसरा इकोनॉमिक सर्वे का है, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट है छत्तीसगढ़ वन स्थिति रिपोर्ट यानी कि ISFR रिपोर्ट में 2021 में छत्तीसगढ़ की स्थिति क्या रही अलग अलग पैमाने पर। जैसे कि हम वनावरण और वन क्षेत्र वर्ग किलोमीटर में बात करें तो पहले नंबर पर है मध्य प्रदेश, हमारा छत्तीसगढ़ जो है देश में तीसरे स्थान पर है। अगर हम वनावरण वृद्धि की बात करें यानी कि पिछले रिपोर्ट 2019 के कंपैरिजन में 2021 की बात करें तो वनावरण में वृद्धि सर्वाधिक वृद्धि हुई है आंध्र प्रदेश में, और वनावरण वृद्धि के मामले में हमारा छत्तीसगढ़ देश में सातवें स्थान पर है। वृक्षावरण वर्ग किलोमीटर सर्वाधिक वृक्षावरण है महाराष्ट्र में, वृक्षावरण के मामले में हमारा छत्तीसगढ़ देश में सातवें स्थान पर है। वृक्षावरण प्रतिशत की बात की जाए तो सर्वाधिक वृक्षावरण प्रतिशत है केरल का, और वृक्षावरण प्रतिशत के मामले में हमारा छत्तीसगढ़ देश में तीसरे स्थान पर है। बांसधारित क्षेत्र, बांसधारित क्षेत्र का मतलब छत्तीसगढ़ राज्य या किसी राज्य में कितने बांस की फसल है यानी कि कितने बांस का एरिया कवर है, तो बांसधारित क्षेत्र की बात किया जाए तो सर्वाधिक बांसधारित क्षेत्र है मध्य प्रदेश में। इस बांसधारित क्षेत्र के मामले में हमारे छत्तीसगढ़ देश में छठवें स्थान पर है। कार्बन स्टॉक बता चुका हूँ मिलियन टन, सर्वाधिक है अरुणाचल प्रदेश, हमारे छत्तीसगढ़ देश में तीसरे स्थान पर। टाइगर रिजर्व वनावरण जो आपका ISFR रिपोर्ट आया था उसमें टाइगर रिजर्व के वनावरण को भी कंसिडर किया गया था। हमारा छत्तीसगढ़ में जो टाइगर रिजर्व है यानी कि पहले ओवरऑल इंडिया की बात करते हैं, टाइगर रिजर्व में वनावरण क्षेत्र के मामले में सर्वाधिक आपका वनावरण किस टाइगर रिजर्व का है पूछा जाए तो वो है आपका नागार्जुन सागर श्रीसेलम आंध्र प्रदेश, ठीक है। हमारा छत्तीसगढ़ देश में तीसरे स्थान पर है, छत्तीसगढ़ में सर्वाधिक वनावरण वाला टाइगर रिजर्व है इंद्रावती। टाइगर रिजर्व वनावरण प्रतिशत परसेंटेज के हिसाब से बात किया जाए तो पक्के अरुणाचल प्रदेश में जो है सर्वाधिक वनावरण प्रतिशत है, हमारे छत्तीसगढ़ देश में दूसरे स्थान पर है वनावरण प्रतिशत के मामले में। वनावरण प्रतिशत में सर्वाधिक वनावरण हमारे छत्तीसगढ़ के अचानकमार टाइगर रिजर्व में है। टाइगर कॉरिडोर्स वनावरण क्षेत्र, टाइगर कॉरिडोर क्या होता है ISFR रिपोर्ट में जाकर के देखिएगा, सर्वाधिक है कान्हा, नवेगांव, नागजीरा, तदोबा, इंद्रावती, यहां पर जो है सर्वाधिक टाइगर कॉरिडोर वनावरण क्षेत्रफल है और इस मामले में हमारा छत्तीसगढ़ देश में पहले स्थान पर है, ठीक। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट है छत्तीसगढ़ में टाइगर रिजर्व वनावरण, जैसे कि अभी हम देख रहे हैं जो आपका ISFR रिपोर्ट आया था, ISFR रिपोर्ट में छत्तीसगढ़ के अलग अलग जिलों में वनों के क्षेत्रफल को बताया गया था, वैसे ही जो है छत्तीसगढ़ में जो तीन आपके टाइगर रिजर्व है, वैसे तो टाइगर रिजर्व की संख्या चार हो गई है, गुरु घासीदास तमोर पिंगला टाइगर रिजर्व को लेकर के अभी भी संदेह बना हुआ है कि इसे टाइगर रिजर्व घोषित किया गया है या नहीं, क्योंकि जो आपकी बीच बीच में जो रिपोर्ट आती है जैसे आपका अखिल भारतीय बाघ अनुमान रिपोर्ट आया था उसमें गुरु घासीदास तमोर पिंगला का नाम देखने के लिए ही नहीं मिला, तो इसलिए थोड़ा सा संदेह बना हुआ है कि गुरु घासीदास तमोर पिंगला टाइगर रिजर्व ये अस्तित्व में आया भी है या नहीं। अगर आ चुका है तो उसे अखिल भारतीय बाघ अनुमान रिपोर्ट में कंसिडर क्यों नहीं किया गया, जो कि अभी हाल ही में ये रिपोर्ट आया है, ठीक है। तो इसमें तीन टाइगर रिजर्व है, ठीक है, इस आपके ISFR रिपोर्ट में। हमारे अचानकमार जो टाइगर रिजर्व है इसका वनावरण क्षेत्रफल है 936, इसका कुल क्षेत्रफल है 936 वर्ग किलोमीटर। 936 वर्ग किलोमीटर में से 895 वर्ग किलोमीटर में क्या है, फॉरेस्ट एरिया है, जो कि इसके कुल भौगोलिक क्षेत्रफल का 95.63% एरिया क्या है, वनावरण है। इंद्रावती अगर टाइगर रिजर्व की बात की जाए तो इसका कुल भौगोलिक क्षेत्रफल है 29.22 वर्ग किलोमीटर इसका कुल एरिया है, जिसमें 2377 वर्ग किलोमीटर एरिया में क्या है आपका वनावरण है। इसके कुल क्षेत्रफल का 81.35% एरिया में वनावरण है। उद्यंती सीता नदी की बात की जाए तो उद्यंती सीता नदी का कुल क्षेत्रफल है 1795 वर्ग किलोमीटर, जिसमें से 1520 वर्ग किलोमीटर एरिया में वनावरण है। कुल क्षेत्रफल का 84.66% एरिया क्या है, फॉरेस्ट कवर है, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, छत्तीसगढ़ राज्य वन विकास निगम, छत्तीसगढ़ राज्य वन विकास निगम, पहला क्वेश्चन तो यही पूछा जाता है कि छत्तीसगढ़ राज्य वन विकास निगम की स्थापना कब हुई, मई 2001 में इसकी स्थापना हुई, जिसका मुख्यालय कहां पर है, रायपुर में।
परियोजना मंडल, इस छत्तीसगढ़ राज्य वन विकास निगम के अंतर्गत कुल 9 परियोजना मंडल आते हैं। कौन कौन सा? राजनांदगांव, रायपुर, कबीरधाम, कांकेर, अंबिकापुर, बिलासपुर, कोरबा, जगदलपुर और रायगढ़। तो ये प्रश्न पूछा जाता है कि छत्तीसगढ़ राज्य वन विकास निगम के अंतर्गत कुल कितने परियोजना मंडल आते हैं? तो कुल 9 परियोजना मंडल आते हैं। और इन 9 परियोजना मंडल में से कितने परियोजना मंडल औद्योगिक परियोजना मंडल है पूछा जाए, तो 3 परियोजना मंडल जो है ये औद्योगिक परियोजना मंडल है, यानी कि औद्योगिक स्तर पर उन वन क्षेत्र का उपयोग किया जाता है। कौन कौन सा? कोरबा, जगदलपुर और रायगढ़, ये 3 आपके औद्योगिक परियोजना मंडल है। विशेष छत्तीसगढ़ राज्य के वनों के वैज्ञानिक प्रबंधन हेतु भारत शासन द्वारा 34 वन मंडलों के लिए कार्य आयोजन स्वीकृत किया गया है। इसे एक अलग विशेष करके याद कर लेना। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट है आपका कैंपा योजना। एक बार का प्रश्न पूछा गया था कि कैंपा योजना का संबंध है, ध्यान दीजिएगा, कैंपा योजना का जो उद्देश्य है क्षतिपूर्ति, वृक्षारोपण, वनों के विकास, वनों की उत्पादकता में वृद्धि, वन संरक्षण संबंधित कार्य से संबंधित है आपका कैंपा योजना। ठीक है, नीचे कमेंट करके कैंपा का फुल फॉर्म बताइएगा, CAMPA कैंपा योजना, इसका फुल फॉर्म क्या होता है नीचे कमेंट करके बताइएगा। ठीक है, प्रश्न पूछा गया था कि कैंपा योजना, कैंपा के फुल फॉर्म से भी एग्जाम में प्रश्न पूछा गया है। कैंपा योजना, कैंपा योजना का संबंध किससे है? क्षतिपूर्ति वृक्षारोपण। जैसे कि आज का जो वर्तमान का दौर है ये आधुनिकता का औद्योगिक इंडस्ट्रियलाइजेशन का युग है, तो इसमें हम क्या करते हैं कि हम जो है वृक्षों की कटाई करके वहां पर या तो नगर बसाते हैं या तो कोई एक इंडस्ट्री वहां पर विकसित करते हैं। तो ये जो आपका आज के आधुनिकता के दौर में जो इंडस्ट्रियलाइजेशन का जो दौर है उसमें जो हमने वनों को जो क्षति पहुंचाई है तो उसकी क्षतिपूर्ति के लिए चलाया जा रहा है आपका कैंपा योजना, क्षतिपूर्ति वृक्षारोपण, वनों का विकास, वनों की उत्पादकता में वृद्धि, वन संरक्षण संबंधित कार्य किए जाएंगे इस कैंपा योजना के अंतर्गत। कैंपा योजना के अंतर्गत कुल 7 वन मंडल आते हैं हमारे छत्तीसगढ़ में, केशकाल, धमतरी, कोरबा, कटघोरा, धर्मजयगढ़, बलरामपुर और आपका सरगुजा में 1400 हेक्टेयर क्षेत्रफल में MPCA स्थापित किए गए हैं। ठीक है, तो यह है कैंपा योजना। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट है वन प्राणी मानव द्वंद्व। वन प्राणी मानव द्वंद्व का मतलब, जैसे कि हमारा छत्तीसगढ़ जो है ये वन बहुल क्षेत्र है जहाँ पर वन्य जीव रहते हैं। वन्य जीव क्या करते हैं, कई बार मानव बसाहटों में घुस करके या तो इंसानों को नुकसान पहुँचाते हैं या इंसानों के जानवरों को, उनके पालतू पशुओं को नुकसान पहुँचाते हैं, कई बार उनके घर को भी तोड़ फोड़ देते हैं। जो बड़े स्तर के जो हाथी है, हाथी जंगल से जो है मानव बसाहटों में घुस करके जो है बस्तियों को उजाड़ देते हैं, उनके घरों को तोड़ देते हैं, इंसानों को कुचल करके मार डालते हैं। कई बार तेंदुआ मानव बसाहटों में घुस जाता है, शेर मानव बसाहटों में घुस जाता है और वहां जाकर के उनके पालतू पशुओं को खा जाता है, इंसानों के ऊपर हमला कर देता है। ठीक है, शेर हो गया, भालू हो गया, चीता हो गया, तेंदुआ हो गया, हाथी हो गया, ये सभी के सभी वन्य जीव जो कि मानव को नुकसान पहुंचाते हैं। तो इस मानव द्वंद्व में अगर जनहानि होती है, किसी व्यक्ति की मृत्यु हो जाती है, तो उसके परिवार को 6,00,000 रुपए की क्षतिपूर्ति सहायता राशि प्रदान की जाएगी। अगर वह स्थायी रूप से अपंग होता है, परमानेंटली, यानी कि उसका पैर डैमेज होकर उसके पैरों को काटना पड़ा, तो ये क्या होगा, स्थायी अपंगता, उस कंडीशन में 2,00,000 रुपए की क्षतिपूर्ति दी जाएगी। जन घायल होने पर अगर कोई घायल बस होता है तो उसे 59,100 रुपए की राशि दी जाएगी। पशु हानि होने पर, जो पालतू पशु है उन पालतू पशु की हानि होती है तो उसमें 30,000 रुपये अधिकतम राशि प्रदान की जाएगी। हाथी द्वारा फसल हानि करने पर 9,00,000 रुपये प्रति एकड़, 9,00,000 रुपये प्रति एकड़ के हिसाब से यहाँ पर जो है सहायता राशि प्रदान की जाएगी। एक बार का प्रश्न बना था कि हमारे छत्तीसगढ़ में वन प्राणी संरक्षित क्षेत्र कितना प्रतिशत है। ठीक है, वन प्राणी संरक्षित क्षेत्र कितना प्रतिशत है, तो वह है 24.82%। ध्यान समझना, क्या पूछा गया था, वन्य प्राणी संरक्षित क्षेत्र, छत्तीसगढ़ के कुल वन क्षेत्रफल में से
कितना प्रतिशत क्षेत्र वन्य प्राणियों के लिए संरक्षित है? अभी 2021 में एक एग्जाम हुआ था, उस एग्जाम में पूछा गया प्रश्न है और ये इंपॉर्टेंट है। छत्तीसगढ़ में वन्य प्राणी संरक्षित क्षेत्र, छत्तीसगढ़ के कुल वन क्षेत्रफल में से 24.82% जो क्षेत्र है यह वन्य प्राणी संरक्षित क्षेत्र के अंतर्गत आता है। ठीक है, इंपॉर्टेंट है, याद रखना। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट है वनोपज। ठीक है, आप सभी को पता होगा कि प्रदेश सरकार जो है ये समर्थन मूल्य पर छत्तीसगढ़ में लघु वन उपजों की खरीदी करती है। अभी तक हम पढ़ते आ रहे थे कि छत्तीसगढ़ में कुल 65 प्रकार के लघु वन उपजों की खरीदी छत्तीसगढ़ सरकार कर रही है, लेकिन अभी जनमन पत्रिका आया है अगस्त महीने का, उसमें क्लियरली मेंशन किया गया है कि प्रदेश सरकार जो है यह 67 प्रकार के लघु वन उपजों की खरीदी समर्थन मूल्य पर कर रही है। भारत सरकार द्वारा 2014-15 से न्यूनतम समर्थन मूल्य योजना लागू किया गया था लघु वन उपजों के लिए। प्रदेश सरकार के द्वारा छत्तीसगढ़ के, देखिए इकोनॉमिक सर्वे में मैंने 65 बताया है क्योंकि उस समय तक 65 प्रकार के लघु वन उपजों की खरीदी न्यूनतम समर्थन मूल्य पर की जा रही है, लेकिन अगस्त 2023 तक की स्थिति में प्रदेश सरकार के द्वारा 67 प्रकार के, टोटल 67 टाइप्स के लघु वन उपजों की खरीदी न्यूनतम समर्थन मूल्य पर की जा रही है। यहाँ पर लघु वन उपजों की पूरी सूची दी गई है, उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, इससे एग्जाम में प्रश्न पूछा नहीं जाता, लेकिन एक बार देख लीजिएगा। ठीक है, इसमें 65 प्रकार के नाम दिए गए हैं, लेकिन कुल 67 प्रकार के लघु वन उपजों की खरीदी प्रदेश सरकार करती है। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट है तेंदुपत्ता संग्रहण 2022-23। पारिश्रमिक दर की अगर हम बात करें तो तेंदुपत्ता संग्राहकों को पारिश्रमिक दर 4,000 रुपये प्रति मानक बोरा प्रदान किया जाता है। ठीक है, उत्पादन अगर बात किया जाए तो वित्तीय वर्ष 2022-23 में 15.83 लाख मानक बोरा, जिसकी कीमत 1,073.51 लाख इसकी कीमत थी, इस मूल्य के 15.83 लाख मानक बोरा तेंदुपत्ता का संग्रहण किया गया। अब यहाँ पर बात हो रही है मानक बोरे की, तो तेंदुपत्ता के एक मानक बोरे में 50,000 तेंदुपत्ते रखे जाते हैं। काफ़ी इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में पूछा गया बहुत बार का रिपीटेड प्रश्न है कि तेंदुपत्ता के एक मानक बोरे में कुल कितने तेंदुपत्ते रखे जा सकते हैं, तो एक मानक बोरे में कुल 50,000 तेंदुपत्ते रखे जा सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, ये उतना इंपॉर्टेंट नहीं है लेकिन फिर भी याद रख लेना कि पुनर्गठित बांस, राष्ट्रीय बांस मिशन योजना जो कि प्रारंभ हुआ था वित्तीय वर्ष 2006-07 से, पुनर्गठित हुआ 2018-19 में, किसानों की अतिरिक्त आय हेतु गैर वन सरकारी एवं निजी भूमि पर बांस का क्षेत्र विस्तार कर कृषकों के क्षेत्र में उत्पादित बांस को बेहतर मूल्य संवर्धन के कार्य तथा उत्पादित बांस को लंबे समय तक सुरक्षित रखना, बांस के आर्थिक एवं वाणिज्यिक उपयोग की संभावनाओं को बढ़ावा देना। पहले क्या था कि बांस जो है ये किसी शासकीय भूमि पर सरकार के द्वारा ही बांस को लगाया जाता था, बांस का रोपण किया जाता था, लेकिन पुनर्गठित किया गया 2018-19 में, जिसमें अब गैर वन सरकारी क्षेत्र या निजी भूमि पर भी बांस का रोपण किया जा सकता है, ये बताया गया है इसमें। इस राष्ट्रीय बांस मिशन के अंतर्गत कौन कौन से जिले शामिल है पूछा जाए तो रायपुर 1, धमतरी 2, दुर्ग 3, राजनांदगांव 4, जांजगीर चांपा 5, कांकेर 6, जगदलपुर 7, कोंडागांव 8, बलरामपुर 9, सूरजपुर 10, सरगुजा 11, कुल 11 जिले में राष्ट्रीय बांस मिशन संचालित है। अब इसका और डिटेल अगर आप देखना चाहें तो यहां से पढ़ सकते हैं, इसमें केवल कौन कौन से जिले शामिल है वो आपके लिए इंपॉर्टेंट नहीं है, इसमें और ज़्यादा नहीं बताऊंगा मैं आपको। ठीक है, नेक्स्ट देखिए कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट। वित्तीय वर्ष 2022-23 में वानिकी क्षेत्र का स्थिर मूल्य पर सकल राज्य घरेलू उत्पाद में प्रतिशत वृद्धि रही 4.05%। ठीक है, यहां पर बात हो रही है प्रतिशत वृद्धि की, यानी कि पिछले वित्तीय वर्ष की तुलना में 2022-23 से वानिकी क्षेत्र की वृद्धि रही 4.05%। राष्ट्रीय आयुष मिशन के अंतर्गत 5 औषधि पौधों क्रमशः स्टीविया, सर्पगंधा, एलोवेरा, वच और सतवार का कृषिकरण किया गया है। छत्तीसगढ़ राज्य औषधि पादप बोर्ड की स्थापना 28 जुलाई 2004 को की गई, इंपॉर्टेंट है याद रख लेना। छत्तीसगढ़ में बांसधारित क्षेत्र 10,467 वर्ग किलोमीटर है, देश में बांसधारित क्षेत्र प्रतिशत 7% है। ठीक है, देश में अगर बात किया जाए कुल भौगोलिक क्षेत्रफल का 7% एरिया ये क्या है, बांसधारित क्षेत्र है। ठीक है,
इंपॉर्टेंट है, याद रखना। नीचे देखिए, नीचे क्या है, ग्राम जामगांव एम जिला दुर्ग में 100 करोड़ की लागत से लघु वन उपज केंद्रीय प्रसंस्करण इकाई की स्थापना की जाएगी। देश में सबसे बड़ी मिलेट प्रसंस्करण इकाई नथिया नवागांव कांकेर में शुभारंभ किया गया है। ये नथिया नवागांव वाला एग्जाम में पूछा गया प्रश्न है कि देश की सबसे बड़ी मिलेट प्रसंस्करण केंद्र का शुभारंभ किस जिले में किया गया है, तो नथिया नवागांव कांकेर में इसका शुभारंभ किया गया है। इम्पॉर्टेंट है, याद रखना। ये भी अभी हाल ही में हुए एग्जाम का प्रश्न बना था कि नथिया नवागांव वाला, यानी कि देश का सबसे बड़ा मिलेट प्रसंस्करण केंद्र कहां पर स्थापित किया गया है। तो यहां पर समाप्त होता है आपका अध्याय 8 वानिकी वाला चैप्टर। किसी को भी अगर इस ISFR रिपोर्ट से रिलेटेड अगर और भी फैक्ट पढ़ने हैं तो आप सीधा जा करके यूट्यूब में सर्च कीजिएगा ISFR 2021 CGPSCE पाठशाला, आपको ये रिपोर्ट मिल जाएगा। दो वीडियो बने हुए हैं, भारत में वन स्थिति रिपोर्ट और छत्तीसगढ़ वन स्थिति रिपोर्ट के नाम से। तो अभी का ये वीडियो यहीं पे समाप्त होता है। किसी प्रकार का डाउट हो तो आप नीचे कमेंट करके पूछ सकते हैं। चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। धन्यवाद।